आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक है परम पदम, ऑप्शन नंबर दो है प्लोस साल्वर, ऑप्शन नंबर तीन है चिप्स, ऑप्शन नंबर चार है अनुपम। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि अनुपम। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। इसका ऑप्शन नंबर एक है T3A, ऑप्शन नंबर दो है परम 10,000, ऑप्शन नंबर तीन है येना 3 और ऑप्शन नंबर चार है J8। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा, येना 3। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वह है। दोस्तों, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वह है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर दो है निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर चार है असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर चार है मशीनी भाषा। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि मशीनी भाषा। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर दो है इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर तीन है दोनों, ऑप्शन नंबर चार है कोई नहीं। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है बेसिक, ऑप्शन नंबर दो है कोबोल, ऑप्शन नंबर तीन है फोरट्रॉन, ऑप्शन नंबर चार है पास्कल। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा, फोरट्रॉन। नेक्स्ट है, FAT का मतलब क्या है? दोस्तों, FAT का मतलब क्या है? दोस्तों, FAT का मतलब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन फाइल एल्कोलोटीन टेबल। नेक्स्ट है, एनोलॉग में डाटा ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है असतत, ऑप्शन नंबर दो है लगातार, ऑप्शन नंबर तीन है दोनों, ऑप्शन नंबर चार है कोई नहीं। दोस्तों, इसका एक दो तीन चार में से ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि लगातार। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता खोलने के लिए शॉर्टकट की गई है। ऑप्शन नंबर एक है F2, ऑप्शन नंबर दो है F3, ऑप्शन नंबर तीन है F1, ऑप्शन नंबर चार है F4। दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा, F1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फार्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है बराबर 97 + 45, ऑप्शन नंबर दो है बराबर C8 * B1, ऑप्शन नंबर तीन है 94 + 45, ऑप्शन नंबर चार है बराबर C9 + 16। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि 94 + 45। नेक्स्ट है, एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसे कहते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर एक है एक्सेल, ऑप्शन नंबर दो है एक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर तीन है एक बॉक्स, ऑप्शन नंबर चार है कोई नहीं। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि एक सेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्लाइड शो व्यू को आगे नहीं चलाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है माउस बटन, ऑप्शन नंबर दो है एस्केप की, ऑप्शन नंबर तीन है स्पेस बार, ऑप्शन नंबर चार है एंटर की। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा एस्केप की। नेक्स्ट है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है Shift F5, ऑप्शन नंबर दो है Shift F3, ऑप्शन नंबर तीन है Control F5, ऑप्शन नंबर चार है Control F3। तो दोस्तों, एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि Shift F5। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है CD-ROM से गेम स्क्रॉल करने पर, ऑप्शन नंबर दो है ईमेल खोलने से, ऑप्शन नंबर तीन है मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में
पिक्चर्स डालने पर, ऑप्शन नंबर चार ईमेल भेजने पर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि ईमेल खोलने पर। कौन सा हो जाएगा? ईमेल खोलने पर। नेक्स्ट है पासवर्ड से प्रयोक्ता है। दोस्तों पासवर्ड से प्रयोक्ता है, इसका ऑप्शन नंबर एक है समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर दो है जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीन है फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर चार है फाइल ढांचे को सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है मालदीव, ऑप्शन नंबर दो है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर तीन है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर चार है सेस। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अलजान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है हॉकी, ऑप्शन नंबर दो है गोल्फ, ऑप्शन नंबर तीन है रोविंग, ऑप्शन नंबर चार है चेस। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है समय अवधि का सूत्र क्या है? दोस्तों समय अवधि का सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर एक है आवर्ति, ऑप्शन नंबर दो है दो बटा आवर्ति, ऑप्शन नंबर तीन है आवर्ति, ऑप्शन नंबर चार है एक आवर्ति। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन चार करेक्ट हो जाएगा कि एक बटा आवर्ति। नेक्स्ट है लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर दो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर तीन है लोकसभा के उपसभापति, ऑप्शन नंबर चार है संसदीय मामलों के मंत्री। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा के उपसभापति। नेक्स्ट है बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या है? दोस्तों बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है NaSCO2, ऑप्शन नंबर दो है Na2CO4, ऑप्शन नंबर तीन है Na2CO3, ऑप्शन नंबर चार है NaSCO3। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि NaSCO3। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? कौन था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर दो है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर तीन है शिखर धवन, ऑप्शन नंबर चार है मनीष पांडे। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा मनीष पांडे। नेक्स्ट है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है वाराणसी, ऑप्शन नंबर दो है शिमला, ऑप्शन नंबर तीन है कश्मीर, ऑप्शन नंबर चार है मदुरै। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कश्मीर। क्या है? कश्मीर। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है अभंग, ऑप्शन नंबर दो है दशबोध, ऑप्शन नंबर तीन है तरीका, ऑप्शन नंबर चार है बीजक। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? दोस्तों हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है देवाल, ऑप्शन नंबर दो है जेमी, ऑप्शन नंबर तीन है फ्लाइंग मैन, ऑप्शन नंबर चार है द ट्रबनेंटर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि द ट्रबनेंटर। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी तारीख से प्रवर्त हुआ था? कौन सी तारीख से प्रवर्त हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 26 जनवरी 2006, ऑप्शन नंबर दो है 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन नंबर तीन है 15 अगस्त 2005, ऑप्शन नंबर चार है 30 दिसंबर 2005 को। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है जोतना, ऑप्शन नंबर दो है निराई, ऑप्शन नंबर तीन है सूप, ऑप्शन नंबर चार है बोवाई। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि जोतना। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत
बालक को कैसे परिभाषित किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन नंबर दो है सोतेला बालक, दत्तक बालक, ऑप्शन नंबर तीन है प्राकृतिक बालक, पोषित बालक, ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 2016 से 2021, ऑप्शन नंबर दो है 2017 से 2022, ऑप्शन नंबर तीन है 2014 से 2019, ऑप्शन नंबर चार है 2015 से 2020। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि 2015 से 2020। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है दिल्ली, ऑप्शन नंबर दो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर तीन है दमन और दीव, ऑप्शन नंबर चार है लक्षद्वीप। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि दमन और दीव। नेक्स्ट है, सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है एम के जैन, ऑप्शन नंबर दो है एन एस विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर तीन है एस गुरुमूर्ति, ऑप्शन नंबर चार है अशोक कुमार माथुर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र सीट है? कितनी है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है तीन, ऑप्शन नंबर दो है एक, ऑप्शन नंबर तीन है दो, ऑप्शन नंबर चार है दो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चार है चार। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि एक सीट है। कितनी है? एक सीट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? दोस्तों गोबी रेगिस्तान स्थित है किस देश में? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है यूएसए, ऑप्शन नंबर दो है चिली, ऑप्शन नंबर तीन है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर चार है जापान। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि चिली में। दोस्तों जो गोबी रेगिस्तान है जो चिली देश के अंदर है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है असम, ऑप्शन नंबर दो है हरियाणा, ऑप्शन नंबर तीन है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर चार है गुजरात। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है स्थितिज, ऑप्शन नंबर दो है शोर, ऑप्शन नंबर तीन है गतिज, ऑप्शन नंबर चार है भूतापीय। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि भूतापीय। नेक्स्ट है, गौण अपराध में वे अपराध शामिल जिनमें अधिकतम सजा भारतीय दंड संहिता के व अथवा उस समय प्रभावी अन्य किसी कानून के अधीन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 3 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन नंबर दो है 3 से 7 वर्ष के मध्य कारावास, ऑप्शन नंबर तीन है 7 वर्ष अथवा अधिक का कारावास, ऑप्शन नंबर चार है आजीवन पर्यंत कारावास अथवा मृत्युदंड। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि 3 वर्ष तक का कारावास। नेक्स्ट है, सक्षम मजिस्ट्रेट की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा कहाँ होगी? कहाँ होगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है जहाँ वेतित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है या कारोबार करता है या नियोजित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो है जहाँ प्रत्यर्थी रहता है या कारोबार करता है या नियोजित है, ऑप्शन नंबर तीन है वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि ये उपयुक्त सभी यानी तीनों बातें करेक्ट है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 2 के अनुसार कौन विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है एक किशोर जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्व नहीं किया है, ऑप्शन नंबर दो है एक किशोर जिसके बारे में यह अभिक
कथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन है एक किशोर जिसके बारे में यह अभी कथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 16 वर्ष की आयु पूर्व नहीं किया है। तो दोस्तों एक दो तीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन एक नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है लॉर्ड मॉरले, ऑप्शन नंबर दो है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर तीन है लॉर्ड मोर्टेंग, ऑप्शन नंबर चार है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो लॉर्ड मिंटो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? क्या नाम दोस्तों? इसका ऑप्शन एक है पोलिश किना, ऑप्शन नंबर दो है पोलिश जलोटी, ऑप्शन नंबर तीन है पोलिश दिनार, ऑप्शन नंबर चार है पोलिश बल्बोवा। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा, पोलिश जलोटी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है चेन्नई, ऑप्शन नंबर दो है मुंबई, ऑप्शन नंबर तीन है कोलकाता, ऑप्शन नंबर चार है नई दिल्ली। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक क्या है? क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है जीरो, ऑप्शन नंबर दो है एक, ऑप्शन नंबर तीन है दो, ऑप्शन नंबर चार है तीन। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा एक। नेक्स्ट है, खालिस्तान श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है परपोषित, ऑप्शन नंबर दो है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर तीन है ऑक्सीय, ऑप्शन नंबर चार है अनाक्षीय। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन चार नंबर करेक्ट हो जाएगा कि अनाक्षीय। नेक्स्ट है, अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायी कानून नहीं बन सकता? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर दो है लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर तीन है प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर चार है उपराष्ट्रपति की सहमति। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 1999 में, ऑप्शन नंबर दो है 2002 में, ऑप्शन नंबर तीन है 2005 में, ऑप्शन नंबर चार है 2006 में। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि 2006 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भूटान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों भूटान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है मिस, ऑप्शन नंबर दो है वियना, ऑप्शन नंबर तीन है काबुल, ऑप्शन नंबर चार है थिम्पू। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा, थिम्पू। नेक्स्ट है, EPF का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर दो है एम्प्लॉईज प्रायोरिटी फंड, ऑप्शन नंबर तीन है एम्प्लॉईज पर्सनल फंड, ऑप्शन नंबर चार है एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फाइनेंस। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है, दहेज हत्या का मामला संबंधित है? दोस्तों जो दहेज हत्या का मामला है संबंधित है, किससे संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है संवैधानिक कानून से, ऑप्शन नंबर दो है दीवानी कानून से, ऑप्शन नंबर चार है फौजदारी कानून से, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि फौजदारी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है लॉर्ड मायो, ऑप्शन नंबर दो है लॉर्ड विलियम बैटरिक, ऑप्शन नंबर तीन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर चार है लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट है आर ए डी ए आर का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर एक है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर दो है रेडियो डाइवर्जन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर तीन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर चार है रेडियल डिस्टेंस एंड रेंजिंग। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर दो है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर तीन है यूएई, ऑप्शन नंबर चार है बांग्लादेश। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दो नंबर, यानी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है न्यूनतम मेहनताना कानून निम्न में से किसके हित में है, किसके हित में है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है खेतीहर मजदूरों के, ऑप्शन नंबर दो है फैक्ट्री मजदूरों के, ऑप्शन नंबर तीन है घरेलू नौकरी के, और ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि खेतीहर मजदूरों के लिए और फैक्ट्री मजदूरों के लिए और घरेलू नौकरों के लिए, ये उपयुक्त सभी के लिए कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रमिक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है जो 18 साल से कम उम्र का हो, ऑप्शन नंबर दो है जो 16 साल से कम उम्र का हो, ऑप्शन नंबर तीन है जो 14 साल से कम उम्र का हो, ऑप्शन नंबर चार है जो 12 साल से कम उम्र का हो। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि जो 14 साल से कम उम्र का हो। नेक्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर दो है लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर तीन है पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर चार है गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध स्थित है दोस्तों, तुंगभद्रा बांध स्थित है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक है गोवा, ऑप्शन नंबर दो है केरल, ऑप्शन नंबर तीन है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर चार है महाराष्ट्र। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है कोहरा, ऑप्शन नंबर दो है बर्फ, ऑप्शन नंबर तीन है वर्षिटी, ऑप्शन नंबर चार है सापेक्षिक। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा वर्षिटी। दोस्तों अगर आपने तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़ी से बड़ी वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति संस्था पुलिस अधिकारी ऐसे बालक को पता है जो संरक्षण से बिछड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में कितने घंटे के भीतर इसकी सूचना पुलिस या चाइल्ड लाइन या बाल कल्याण समिति को देना आवश्यक है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 6, ऑप्शन नंबर दो है 12, ऑप्शन नंबर तीन है 18, ऑप्शन नंबर चार है 24। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन नंबर दो है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर तीन है लद्दाख, ऑप्शन नंबर चार त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा लद्दाख। कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। नेक्स्ट है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर 10 आसियान तथा 6 अन्य देशों के मध्य शिखर वार्ता हुई है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक है जकार्ता, ऑप्शन नंबर दो है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर तीन है बैंकॉक, ऑप्शन नंबर चार है टोक्यो। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा बैंकॉक में। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है भारत में जीवन प्रत्याशा की दर 68.7 वर्ष, ऑप्शन नंबर दो है महिलाओं के जीवन प्रत्याशा दर 70.2 वर्ष,
ऑप्शन नंबर तीन है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर 67.4 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीन उपरोक्त सभी खत्म सत्य हैं। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? प्रजनन दर कितनी है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है दो, ऑप्शन नंबर दो है 2.1, ऑप्शन नंबर तीन है 2.2, ऑप्शन नंबर चार है 2.3। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि 2.3। नेक्स्ट है अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर दो है उत्तरी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीन है मध्य पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर चार है दक्षिणी राजस्थान। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर, ऑप्शन नंबर दो है कोटा, ऑप्शन नंबर तीन है मेवाड़, ऑप्शन नंबर चार है अलवर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युगम को सुमेलित कीजिए, सही युगम को सुमेलित करना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है जसनाथ जी, दोस्तों जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंध है। शीतला जी, दोस्तों शीतला जी चाकसू जयपुर। जाम्बोजी है, जाम्बोजी कहाँ से है दोस्तों? मुकाम नोखा। और जीण माता है रेवासा सिक्कर। दोस्तों ये सुमेलित हो गए हैं दोस्तों, दोस्तों ये ऑप्शन नंबर एक में सुमेलित हो रहे हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? किस महाकाव्य की रचना की थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है रघुवंश तिलक, ऑप्शन नंबर दो है राज प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर तीन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर चार है बीकानेर प्रशस्ति। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि राज प्रशस्ति। नेक्स्ट है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? किस स्थान पर मिले हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है सतकांगेंडोर, ऑप्शन नंबर दो है लाहौर, ऑप्शन नंबर तीन है कोट डीजी, ऑप्शन नंबर चार है मोट गोमरी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि कोट डीजी। नेक्स्ट है नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नवल सागर तालाब है कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है कोटा, ऑप्शन नंबर दो है बूंदी, ऑप्शन नंबर तीन है जयपुर, ऑप्शन नंबर चार है अलवर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुस्लिम था? कौन जन्म से मुस्लिम था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है माऊजी, ऑप्शन नंबर दो है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर तीन है लालदास, ऑप्शन नंबर चार है चारण दास। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि लालदास जी थे जो निम्न संतों में जन्म से ही मुसलमान थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है हरलाल सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर दो है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर तीन है लादू राम चौधरी, ऑप्शन नंबर चार है हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा दाई ने मारवाड़ के खालिस्तान की जान बचाई थी? दोस्तों गोरा दाई ने मारवाड़ के खालिस्तान की जान बचाई थी, किसकी जान बचाई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर दो है अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर तीन है सुमेर सिंह, ऑप्शन नंबर चार चंद्रसेन। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि अजीत सिंह की जान बचाई थी। नेक्स्ट है जयपुर के किस कछुआहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन नंबर दो है पृथ्वीराज ने, ऑप्शन नंबर तीन है महाराजा जगत सिंह सेकंड ने, ऑप्शन नंबर चार है महाराजा विष्णु सिंह ने। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि महाराजा जगत सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है गुहिल अनुपात मेवाड़, ऑप्शन नंबर दो है भाटी अनुपात जैसलमेर,
ऑप्शन नंबर तीन है परमार अनुपात मारवाड़, ऑप्शन नंबर चार है चालुक्य अनुपात गुजरात। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन तीन नंबर करेक्ट हो जाएगा कि परमार मारवाड़। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? दोस्तों किस जिले में स्थित है मांडलगढ़? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर दो है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर तीन है बूंदी, ऑप्शन नंबर चार है उदयपुर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? नहीं है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर दो है गंगानगर, ऑप्शन नंबर तीन है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर चार है बीकानेर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हनुमानगढ़। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला नहीं है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर दो है गंगानगर, ऑप्शन नंबर तीन है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर चार है बीकानेर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है डाइन नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? किस जिले से है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर, ऑप्शन नंबर दो है कोटा, ऑप्शन नंबर तीन है अजमेर, ऑप्शन नंबर चार है दौसा। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीन नंबर अजमेर। कौन सा है? अजमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है अर्घ, ऑप्शन नंबर दो है बरखान, ऑप्शन नंबर तीन है शिप, ऑप्शन नंबर चार है अनुप्रस्थ। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा बरखान। क्या हो जाएगा? बरखान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कौन सी स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है निकी झील, ऑप्शन नंबर दो है सिलीशेड झील, ऑप्शन नंबर तीन है तिलवाड़ा झील, ऑप्शन नंबर चार है पंचपद्रा झील। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा पंचपद्रा झील। नेक्स्ट है कोटारी नदी का उद्गम स्रोत है? दोस्तों कोटारी नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है बिजराल फाड़ी से, ऑप्शन नंबर दो है दिवेर फाड़ी से, ऑप्शन नंबर तीन है गोगुंदा फाड़ी से, ऑप्शन नंबर चार है पडरार फाड़ी से। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा कि दिवेर फाड़ी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में बूरी मृदा मिलती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर दो है नागौर, ऑप्शन नंबर तीन है जालौर, ऑप्शन नंबर चार है सवाईमाधोपुर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि सवाईमाधोपुर। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है शुष्क, ऑप्शन नंबर दो है अर्ध शुष्क, ऑप्शन नंबर तीन है आदर, ऑप्शन नंबर चार है उपादर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार नंबर करेक्ट हो जाएगा कि उप आदर। सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है 1974 से 75, ऑप्शन नंबर दो है 77 से 78, ऑप्शन नंबर तीन है 85 से 86, ऑप्शन नंबर चार है 1966 से 67। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि 1974 से 75। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले में होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है गंगानगर, ऑप्शन नंबर दो है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर तीन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर चार है चूरू। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है महसाना, ऑप्शन नंबर दो है सूरती, ऑप्शन नंबर तीन है मुर्रा, ऑप्शन नंबर चार है हरियाणवी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा मुर्रा। नेक्स्ट है भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? कौन सी प्रजाति जानी जाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेरी, ऑप्शन नंबर दो है पोंगल, ऑप्शन नंबर तीन है चोकला, ऑप्शन नंबर चार है नली। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा चोकला। नेक्स्ट है निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर सिरोही पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है राठी, ऑप्शन नंबर दो है मेवाती, ऑप्शन नंबर तीन है थारपारकर,
ऑप्शन नंबर चार है कांक्रेस। दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा कि कांक्रेस। नेक्स्ट है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम से प्राप्त होता है? कौन से में होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर व डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर दो है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर तीन है उदयपुर व बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर चार है उदयपुर व प्रतापगढ़। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा उदयपुर व डूंगरपुर। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है सिंगाना झुंझुनू, ऑप्शन नंबर दो है बिदासर चूरू, ऑप्शन नंबर तीन है रेल मगरा उदयपुर, ऑप्शन नंबर चार है राजपुरा दरीबा राजसमंद। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि रेल मगरा उदयपुर ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, ऑप्शन नंबर दो है प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, ऑप्शन नंबर तीन है सिनोजोइक व प्रोटेरोजोइक, ऑप्शन नंबर चार है कैम्ब्रियन व कार्बोनिफेरस। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा कि आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। नेक्स्ट है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है मंगला, ऑप्शन नंबर दो है भाग्या, ऑप्शन नंबर तीन है तनोट, ऑप्शन नंबर चार है ऐश्वर्या। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा तनोट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है 589, ऑप्शन नंबर दो है 529, ऑप्शन नंबर तीन 869, ऑप्शन नंबर चार है 826। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा 826। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार है महाराष्ट्र। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युगम में सिंचाई की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है हनुमानगढ़ तथा गंगानगर, ऑप्शन नंबर दो है गंगानगर तथा चूरू, ऑप्शन नंबर तीन है चूरू तथा हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर चार सिक्कर तथा चूरू। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि चूरू तथा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है कोलायत लिप्त नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिप्त नहर का नया नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर, ऑप्शन नंबर दो है वीर तेजा लिप्त नहर, ऑप्शन नंबर तीन है डॉक्टर करण सिंह लिप्त नहर, ऑप्शन नंबर चार है गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा कि डॉक्टर करण सिंह लिप्त नहर। नेक्स्ट है किशनगढ़ हाईवे अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है अक्टूबर 2017, ऑप्शन नंबर दो है अक्टूबर 2018, ऑप्शन नंबर तीन है दिसंबर 2017, ऑप्शन नंबर चार है दिसंबर 2018। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि अक्टूबर 2017 में जो किशनगढ़ हाईवे अड्डे का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कमरों को खुशबूदार एंड ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है सेवण, ऑप्शन नंबर दो है दामण, ऑप्शन नंबर तीन है खस, ऑप्शन नंबर चार है अंजन। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा खस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर दो है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर तीन है कुंभा महल, ऑप्शन नंबर चार है मोती महल। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा मोती महल। नेक्स्ट है अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है सांबर, ऑप्शन नंबर दो है नाडोल, ऑप्शन नंबर तीन है जालोर, ऑप्शन नंबर चार है रणथंभौर। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा सांबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है नागपंचमी, ऑप्शन नंबर दो है तीज, ऑप्शन नंबर तीन है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर चार है जन्माष्टमी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा जन्माष्टमी। नेक्स्ट है
1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? कौन थे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर दो है महाराजा अभय सिंह, ऑप्शन नंबर तीन है महाराजा तखत सिंह, ऑप्शन नंबर चार है महाराजा अनूप सिंह। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा, महाराजा तखत सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है तारागढ़ का किला, ऑप्शन नंबर दो है जंतर मंतर वेधशाला, ऑप्शन नंबर तीन आमेर की हवेली, ऑप्शन नंबर चार है हवा महल। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा, जंतर मंतर वेधशाला। नेक्स्ट है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है पुष्कर मेला, ऑप्शन नंबर दो है दशहरा मेला, ऑप्शन नंबर तीन है भरतरी मेला, ऑप्शन नंबर चार है केला देवी मेला। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चार करेक्ट हो जाएगा, केला देवी मेला। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला फंड चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर दो है जयपुर, ऑप्शन नंबर तीन है कोटा, ऑप्शन नंबर चार है प्रतापगढ़। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, देलवाड़ा मंदिर के समूह में खालिस्तान मंदिर है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है चार, ऑप्शन नंबर दो है पाँच, ऑप्शन नंबर तीन है छः, ऑप्शन नंबर चार है सात। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो नंबर पाँच, कौन सा है? पाँच। नेक्स्ट है, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? कौन था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक है मंडन मिश्र, ऑप्शन नंबर दो है विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर तीन है राजवल्लभ, ऑप्शन नंबर चार है दीपक। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है चूरू, ऑप्शन नंबर दो है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर तीन है सीकर, ऑप्शन नंबर चार है झुंझुनू। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा, सीकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर दो है बाबू जी, ऑप्शन नंबर तीन है गोगा जी, ऑप्शन नंबर चार है रामदेव जी। तो दोस्तों एक दो तीन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, दादू दयाल। दोस्तों ये था मॉडल पेपर, राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल पेपर चौथा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।